आज इंटरनेशनल नर्स डे है। इस दिन को फ्लोरेंस नाइटिंगल के जन्मदिन की याद में मनाया जाता है। आपको बता दें कि नर्सिंग को एक सम्मानजनक पेशा बनाने का श्रेय फ्लोरेंस नाइटिंगल को ही जाता है। 12 मई 1820 को इटली के फ्लोरेंस में नाइटिंगल का जन्म हुआ था। कुलीन परिवार में जन्मी फ्लोरेंस के घर वालों को ये बिल्कुल मंजूर नहीं था कि उनकी बेटी नर्स बने, क्योंकि उस वक्त नर्सिंग को सम्मानित पेशा नहीं माना जाता था। आखिरकार फ्लोरेंस की जिद के आगे घर वालों को झुकना पड़ा और उन्हें नर्सिंग की ट्रेनिंग के लिए जर्मनी जाने की इजाज़त मिल गई। साल 1891 में वे जर्मनी गई और 1853 में उन्होंने लंदन में महिलाओं के लिए एक अस्पताल खोला। इसी साल क्रीमिया में युद्ध शुरू हो गया। फ्लोरेंस 38 नर्सों के साथ तुर्की के एक मिलिट्री अस्पताल में सैनिकों की सेवा करने पहुंच गई। अस्पताल में फ्लोरेंस ने गंदगी का पहाड़ देखा। तब उन्होंने फैसला किया कि वह सबसे पहले साफ सफाई पर ध्यान देंगी। इसके बाद उन्होंने घायल और बीमार सैनिकों की देखभाल करने में दिन रात एक कर दिए। वे रात में भी सैनिकों की सेवा में लगी रहती थी। इस दौरान वे हाथ में लैंटर्न को लेकर मरीजों के पास देखने जाती थी। इसी कारण सैनिकों ने उन्हें लेडी विद द लैंप कहने लगे। जब फ्लोरेंस युद्ध के बाद लौटी तो उनका यह नाम फेमस हो गया। आज भी उन्हें दुनिया में इसी नाम से जाना जाता है और उन्हें सम्मान से याद किया जाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, IPN।